हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावा में स्ट्रिंग को किस तरीके से कॉन्कनेट किया जा सकता है। तो जावा में स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करने के दो तरीके दिए हुए हैं। पहला होता है प्लस ऑपरेटर के थ्रू और दूसरा होता है कॉन्कनेट मेथड के थ्रू। तो इन दोनों ही तरीकों को विथ एग्जाम्पल समझने वाले हैं इस लेक्चर के इनसाइड। तो लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करिएगा, डेफिनेटली आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ। पहला स्ट्रिंग यश नेम से ले रहा हूँ और इसको मैं S1 रेफरेंस में रख रहा हूँ, और दूसरा स्ट्रिंग मैं पोगरा ले लेता हूँ और इसको मैं S2 रेफरेंस में रख रहा हूँ। अब प्लस ऑपरेटर का यूज़ किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। आप S1 प्लस डबल कोट, बीच में स्पेस दीजिए आप, प्लस और S2, इस तरीके से। इससे होगा ये कि यहाँ पर S1 की जगह यश आएगा, फिर स्पेस आएगा और फिर S2 की जगह पोगरा आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा यश पोगरा। हमने यहाँ पर बिल्ड एंड रन किया, आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो आया है वो आया है यश पोगरा, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सीधे ही ऐड करना है स्ट्रिंग को, तो भी कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर आप ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 10+10 और उसके बाद में फिर मैंने डबल कोट के इनसाइड लिखा यश, देन उसके बाद मैंने लिखा 50+40, इस तरीके से। तो होगा क्या कि स्ट्रिंग से पहले अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका एडिशन होगा, और स्ट्रिंग के बाद में अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो कॉन्केट होगा, यानी कि कॉन्कनेशन होगा। तो यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 20 यश 50 40। मैं अभी इसको बिल्ड एंड रन करके आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको आउटपुट मिलता है। चलिए, एक तरीका और होता है कॉन्केट मेथड के थ्रू, तो उसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वही दो स्ट्रिंग लेना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पर वही दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यश जिसे मैं S1 में रख रहा हूँ और दूसरा स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग जो है वो पोगरा है जिसको मैं S2 में रख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, S1 से कॉन्केट नेम की मेथड को कॉल करना है और इसमें किसको रखना है, S2 को पास करना है, इस तरीके से, और इसको वापस से नए रेफरेंस में असाइन कर लेना है। तो इसको मैं S3 में असाइन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर S3 को प्रिंट करवाएंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा यश पोगरा, इस तरीके से। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देंगे तो यहाँ पर यश स्पेस पोगरा प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के इनसाइट हमने स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के तरीकों के बारे में सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।